राय साहब बहुत बड़े हीरो थे, उसमें कोई शक नहीं, मगर उनके हीरो बनने से एक नुकसान हुआ पाकिस्तान इंडस्ट्री को, कि जो उर्दू मेकर थे वो भी पंजाबी फिल्म की तरफ आ गए। जो वहीद मुराद साहब ने माई मस्ताना बनाई, नदीम साहब ने मुखड़ा से शुरू किया, सिर्फ पैसे के लालच में लोग पंजाबी फिल्में बनाते चले गए। उससे क्या नुकसान हुआ, हमारा को प्रोडक्शन था नेपाल से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, तुर्की, वो चारों ख़त्म हो गए। आपके मिडिल ईस्ट की जो दुबई, अबू धाबी, शारजा लाइन, वो चारों स्टेशन आपके चले गए। ब्रादरिज़्म पे आप आए और फिर जो गंदे आप बेहूदा जो गाने आए उसने हमें सबसे ज़्यादा नुकसान बनाया। जैसे हीरो हैं हमारे, हीरोन शान साहब वगैरह, इनको भी ब्रादरिज़्म की फिल्मों से या इस टाइप के कोई गाने इनके ऊपर थे हीरोनों के साथ, तो इनको खुद रोकना चाहिए था प्रोड्यूसर डायरेक्टर को। हॉलीवुड देखें, बॉलीवुड सिर्फ फिल्मों से पूरी दुनिया से पैसा कमा रहा और हमने अपनी फिल्म इंडस्ट्री को यतीम खाना बना दिया। जो मैंने हीरो हीरोन इंट्रोड्यूस कराए उनको तो अवार्ड मिल गए हैं, सदारती अवार्ड या कोई से भी, मगर गवर्नमेंट को शायद या तो हम नज़र नहीं आते या हमारी कोई लॉबी नहीं है। मैं भी शायद को मिल जाता है, हमारी इंट्रोड्यूस कराई हुई मीरा को भी मिल जाता है, तो इस मुल्क में क्या, और ऐसे ऐसे कोई अवार्ड मिले हैं जिनको मिलने नहीं चाहिए, जो यानी कि हमने सरदारती अवार्ड की भी इंसल्ट की है। हम वो कौम है, हम मरने के बाद तमखे देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है अपने कुरान साहब, मैं बचपन से 7-8 साल की उम्र से शोबिज देख रहा हूँ। मेरे वालिद 47 में इंडिया से आए थे, उनका नाम था बाकर रिज़वी, वो उस वक्त के इंडिया के किशोर साहू एक्टर भी थे और हीरो भी थे। उनकी फिल्म लास्ट एसोसिएट करके आए थे, काली खटा, उसके बाद वो पाकिस्तान आ गए। फिर मैं जब बड़ा हुआ फिर मैं शोबिज में आया। अब मेरा बेटा अम्मार रिज़वी जो एनिमेटर भी है, डायरेक्टर भी है, अब मगर उसने दुबई में प्रोडक्शन हाउस लगा लिया, और मेरा पोता है जो मैं कमर्शियली में करा रहा हूँ और एडिटिंग का काम भी, यानी कि पाकिस्तान में वाइद हम हैं जो चौथी नस्ल तक आए हैं, वरना सिर्फ 3-4 फैमिली हैं जिनकी तीन नस्लें हैं रह गया। और आपको पता ही है कि जब से मैं 80 में लाहौर आया था, जब से मैं आया लाहौर में एक्टर ही मुतारफ कराया जा रहा हूँ। पहले आते ही सबसे पहले मैंने गोरी साहिबा को इंट्रोड्यूस कराया, उसके बाद मिर्ज़ा इस्लाम साहब ने उनको फिल्म में लिया था, नज़र शबाब साहब ने लिया था, शायदा मिन्नी साहिबा, मदिया शाह, नरगिस, सिमी जैदी, कंवल, मीरा साहिबा, निर्मा, लैला, सजना, रमिया, रीजा, एहसन खान, फैसल कुरैची, हन्नान, तिलक शाह, अली जफ़र, अभी शाहरुख की शक्ल वाला लड़का वो अब जो काम कर रही, माही खान, रिचल को भी मैं ही लाया था, रिचल खान को भी, वो तो खैर गायब हो गई, माई खान भी मेरी है इस वक्त जो काम कर रही हैं, मतलब अभी भी जो मैं ही कर रहा हूँ वही अल्लाह का शुक्र है कि वही एक्टर लड़के लड़कियाँ काम कर रहे हैं, और जिनको मैं लाया वो एक्टर, उसके बाद कितने लोगों ने एक्टर में, बल्कि रेशम को भी मैंने 8 साल की उम्र में, जब वो इकबाल टाउन में रहती थी अपनी बड़ी बहन शरीन साहिबा के साथ, तो ऐसे वो बच्ची बड़ी खूबसूरत थी रेशम, गोल मटोल के था, तो जूस की फिल्म थी मुल्तान वालों की, तो वो बच्ची में किसी ने मैंने पूछा तो कहने को वो जरा था, वो आपके घर से दो एक घर छोड़ के बच्ची रहती है उसको ले लें। मैं गया, मैंने दरवाज़ा खटकाया, बैल दी, तो शमी साहब आएगी, मैंने कहा ऐसे ऐसे कमर्शल करनी तो बच्ची को चाहिए, तो 8 साल की उम्र मैंने रेशम से जूस की कमर्शल कराई थी, यानी कि देखो उसको भी फर्स्ट टाइम लगा शुक्र के मैंने ही एक्सपोज किया हुआ। बहरहाल फिर सना को पता है फ्लॉप ही थी, किस तरह मैंने प्रमोट किया, और जिन डायरेक्टरों ने, चाहे वो संगीता आपा हों, हसन असकी साहब, उन्होंने 4-4, 3-3 सीन के रोल कराए हुए थे। जब मैंने प्रमोट करना शुरू किया, हालांकि पूरा एवर न्यू परवेज आना साहब, आगा हुसैनी फैमिली, सूदी पर साहब, मजाक उड़ा, और जरार भी चला हुआ कारतूस है, नहीं चलना है, मैंने कहा आप दुआ करें अल्लाह से एक दफ़ा फिर चल जाए, और जब चला तो संगीता आपा ने उसको टाइटल रेशमा कराए, हसन असकी साहब ने फिर लिया जन्नत की तलाश में, फिर जावेद शेख साहब ने ये दिल आपका, मैं समझ नहीं आता कि ये पहले किसी को नज़र नहीं आता था ये सना ऐसी है। उस वक्त तो 4-5 सीन कराए लोगों ने, हमने जब प्रमोट कराया तो वो हीरोइन बनाई। फिर एक कुरान साहब मुझे याद आया, एक सबसे अहम बात कि साहिबा को, जब मध्या नाम था साहिबा का, नूर साहब ने फिल्म कसम में लिया, एग्रीमेंट साइन एडवांस हो गया, और फिर कट कट कर दिया, उसकी जगह इरम हसन को ले लिया। जावेद फाजिल साहब ने दुनिया 10 नंबरी में उसको हीरोन लिया और गालिब कमाल को, दोनों को कट कर दिया, उसकी जगह निताशा एक लड़की थी उसको ले लिया, और शान के भाई एजाज को ले लिया, वहाँ से निकाल दिया। अल्ताफ हुसैन साहब ने शान के साथ फिल्म काजल में शूटिंग कराई साहबा की, और शाम को करने के बाद सेकेंड एक कट कर दिया। 3 पाकिस्तान के बड़े डायरेक्टरों ने कट किया उसका, रोना धोना, यही हमारे सामने ही
गली में रहती थी निशु बेगम, उनका बड़ा आना जाना था मेरा। अब तक कितनी आर्टिस्टों को आप इंट्रोड्यूस, बड़ी मेल हो या फीमेल हो, कितनी तादाद के मुताबिक कितने लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया? पेंतिया वो तो मैंने कहता, मगर बड़ी अहम बात तो रह गई कि मैं कह रहा हूँ उन तीनों ने जो रिजेक्ट किया उसको जब मैंने इंट्रोड्यूस कराया, प्रमोट किया, तो इन तीनों डायरेक्टरों ने फिर उसको लिया अपनी फिल्मों में। जान रंबो का गेस्ट हाउस हिट हुआ, हाजी शेरा साहब फिल्म हीरो में रैम्बो के साथ साहबों को लेने जाते थे, साहबा ने कहा नहीं नहीं, निशो बेगम ने नहीं नहीं मेरे रैम्बो के साथ दिखा, हाजी शेरा साहब ने कहा जरा साहब आप समझाएं यार, देखें वो तो हिट हुआ हुआ है। फिर मैंने निशो बेगम से कहा, मैंने कहा निशो भाई मेरी फिल्म और दो चार और फिल्मों की जो कर रही ना साहबा, वो हिट हो ना हो, हाजी शेरा साहब की ये हीरो ज़रूर हिट होगी, क्योंकि एक दफ़ा गेस्ट हाउस किया तो जान रैम्बो को लोग देखने ज़रूर आएंगे। और फिर वो हुआ कि वो फिल्म सुपर हिट हुई और वो ऐसे देखने आए कि फिर उन दोनों की शादी भी हो गई। बर्बादी की वजह सबसे ज़्यादा तो दो तीन हैं, देखिए राय साहब बहुत बड़े हीरो थे उसमें कोई शक नहीं, मगर उनके हीरो बनने से एक नुकसान हुआ पाकिस्तान इंडस्ट्री को, कि उनके हिट होने से पंजाबी फिल्म तेज़ी से इतनी ऊपर आई हैं, क्योंकि पंजाब का सर्किट हमारा बहुत बड़ा था, वो थे 250-350 स्टेशन और सिंध के थे 4-5 स्टेशन, कराची, हैदराबाद, सक्कर, लाड़खाना, पंजाब भरा हुआ था, बड़े स्टेशन 9-10-12 थे, जैसे मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, पिंडी, सरगोधा, वाला लाहौर। उसकी वजह से अंजुमन बेगम और राय साहब की, या राय साहब की आसिया बेगम, इनके साथ फिल्म अनाउंस होती थी और सारी फिल्म धड़ाधड़ बुक हो जाती थी। उससे क्या हुआ कि जो उर्दू मेकर थे वो भी पंजाबी फिल्म की तरफ आ गए, जैसे वहीद मुराद साहब ने माई मस्ताना बनाई, नदीम साहब ने मुखड़ा शुरू किया, सिर्फ पैसे के लालच में लोग पंजाबी फिल्में बनाते चले गए कि सिर्फ पैसे ज़्यादा आते, सर्किट से फ़ौरन एडवांस मिल जाता, उर्दू में इतने तेज़ी से पैसे नहीं आते। हालांकि पंजाबी फिल्म बनती रहती मगर उर्दू को ज़्यादा रखती, क्योंकि उर्दू भी बनती, पंजाबी बनती, पश्तो, सराइकी, सिंधी, कोई ज़बान हमारी इलाकाई ज़बान जितनी थी बननी चाहिए थी, मगर उर्दू फोकस ज़्यादा रहता। जब उर्दू आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई, पंजाबी तेज़ी से सारी फिल्में पंजाबी बनने लगी, उससे क्या नुकसान हुआ, हमारा को प्रोडक्शन था नेपाल से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, तुर्की, वो चारों ख़त्म हो गए, और आपके मिडिल ईस्ट की जो दुबई, अबू धाबी, शारजाह लाइन, वो चारों स्टेशन आपके चले गए, क्योंकि पंजाबी फिल्म लाचे वाली तो आपकी वो डबिंग नहीं कराएंगे बांग्लादेश या तुर्की वाले, वो तो पैंट शर्ट होती थी तो उर्दू फिल्म उनकी मैच कर जाती थी, इसलिए वो लेते थे। उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मैं समझता हूँ इसके नुकसान के तीन लोग जिम्मेदार हैं, स्टूडियो ऑनर भी हैं, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी हैं। स्टूडियो ऑनर इसलिए हैं कि जब 35 का काम दौर था, जब आपको पता है कि जदीद लैब इंडिया में बैंकॉक सब जगह लगी, तो इन्होंने डिजिटल साउंड सिस्टम वगैरह लाहौर में एवेन्यू बारिश आरू ने क्यों नहीं लगाया। फिर दूसरी ये कि हम बिरादरी जम की तरफ चले गए आज तक, देखिए पंजाबी फिल्में थी, बन रही थी, अच्छी भी थी, बुरी भी थी, ये नहीं कि बुरी थी, मगर जब बिरादरी जम पे आप आए और फिर जो गंदे आप बेहूदा जो गाने आए उसने हमें सबसे ज़्यादा नुकसान बनाया, क्योंकि उसकी वजह से आपने सिनेमा में हम अपनी बहन बेटी माँ बहन बीवी को किसी को ले जा नहीं सकते थे, और आहिस्ता आहिस्ता फैमिली सिनेमाओं से दूर होती चली गई। ये सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, बेहूदा जो गंदे गाने थे और वल्गर गानों की डांस पिक्चराइजेशन हुए, उससे फैमिली ने जाने से आहिस्ता आहिस्ता बंद कर दिया। ये मैं समझता हूँ ये प्रोड्यूसर की गलती है, और डायरेक्टर को भी रोकना चाहिए था कि यार ऐसा ना करें, साफ़ सुथरे काम करें जिससे फैमिलीज आएँ। आपने अपने फायदे के लिए, अब जैसे हीरो हैं हमारे हीरो शान साहब वगैरह, इनको भी बिरादरी जम की फिल्मों से या इस टाइप के कोई गाने इनके ऊपर थे हीरोनों के साथ, तो इनको खुद रोकना चाहिए था प्रोड्यूसर डायरेक्टर को, यार हमारी फैमिली ने भी देखना होता है, तो ऐसी फिल्में ना बनाएं, ऐसे गानों के पिक्चराइजेशन ना करें कि ये गानों के गंदे बोल लन, ये इनका फर्ज था, ये देखें इनको लन इज्जत दी थी, इनका नाम था, ये जो चाहते वो हो सकता था, ये चाहते तो रोकते यार कि मैं तो देखें मेरा इमेज इतना अच्छा बन गया तो अब ये फिल्में ना बनाएं, मगर इन्होंने वो फिल्में करते रहे क्या किचन, अरे भाई इनके पास तो इतना पैसा है, इनको काय की किचन है, कितनी रोटी खाता है यार तीन वक्त इंसान, तो ये चाहते तो सब कुछ हो जाता और अच्छी फिल्में बन सकती थी। कुरबान साहब ये 80 से पहले जो था ना हमारी हीरोइनें जो थी उनके इश्क मोहब्बतें जो थी स्टूडियो के अंदर ही थी, हीरो से या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर वहीं शादियों में। 80 के बाद कुछ ऐसी लड़कियाँ आना आई हैं जिनकी वजह से तमाजबीन टाइप के लोग आना शुरू हो गए। जब तमाजबीन टाइप के बंदे आएंगे, आपके ताल्लुकात उनसे होंगे, बदमाशों से होंगे या पुलिस ऑफिसरों से होंगे या स्मगलरों से होंगे, आज आपके उनसे ताल्लुकात हैं या कोई और बंदा आपको पसंद आ गया और आपने उससे दोस्ती कर ली, तो सारी बात जब उस बंदे को पता चलेगा या आपने उसको छोड़ा है तो या तो वो आपको गोली मरवाएगा या तेजाब फेंकेगा। यही वाक़यात हुए हैं इंडस्ट्री में, इसी वजह से हुए हैं क्योंकि आप अगर किसी से ताल्लुक है तो फिर एक ही बंदे से ताल्लुकात रखें, आप दो दो तीन तीन बंदे जब फंसाएंगे दौलत कमाने के लिए फिर तो गोलियाँ भी आएंगी और तेजाब भी पड़ेगा। सर यही
खाली दो नंबर ही है ना आपके, किसी सरमायादार किसी बदमाश या किसी पुलिस ऑफिसर से ताल्लुकात होंगे, वही आपको पैसा खिलाएगा, वही आपको कोठी लेके देता है, वही आपको गाड़ियाँ लेके देता है। लड़कों को तो ले कोई नहीं देगा ना, कि लड़कों ने तो उनके पास सोना नहीं होता, जो सोएगा उसी को सब कुछ मिलता है ना भाई। पाकिस्तान में स्टार मेकर भी मुझे कहा जाता है, और नेशनलिज्म पर फिल्में मैंने बनाई, और जो मैंने हीरो हीरोइन इंट्रोड्यूस कराए उनको तो अवार्ड मिल गए हैं, सदारती अवार्ड या कोई से भी, मगर गवर्नमेंट को शायद या तो हम नज़र नहीं आते या हमारी कोई लॉबी नहीं है जो वहाँ करें। वरना तो इस मुल्क में आपके सामने ही कि मैं भी शायद को मिल जाता है, हमारी इंट्रोड्यूस कराई हुई मीरा को भी मिल जाता है, तो इस मुल्क में क्या, और ऐसे ऐसे कोई अवार्ड मिले हैं जिनको मिलने नहीं चाहिए, जो यानी कि आपने सदारती अवार्ड की भी इंसल्ट की है। दुख ये होता है कि लोग इस मुल्क में, हमारी बदकिस्मती कि हमारे मुल्क में कदर नहीं है। आप देखें ना, हमारा मुल्क वो है, हम वो कौम है, हम मरने के बाद तमखे देते हैं, मरने के बाद तमखे से जाया जाते, ज़िंदगी में कोई पूछते नहीं कि यार कोई क्या कर रहा है। कि पाकिस्तान गवर्नमेंट से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर दुनिया में हॉलीवुड देखें, बॉलीवुड सिर्फ फिल्मों से पूरी दुनिया से पैसा कमा रहा है, और हमने अपनी फिल्म इंडस्ट्री को यतीम खाना बना दिया, अगर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री सपोर्ट करे, इस्लामाबाद में मीडिया सिटी बनाए और अच्छे इलेक्ट्रॉनिक कैमरे बनवाए, पोस्ट का काम अच्छा करवाए, और सदारती अवार्ड कैश दे, कम से कम बेस्ट पिक्चर को करोड़ रुपए, सेकंड फिल्म को 50 लाख और थर्ड फिल्म को 25 लाख दे दो, देखें डायरेक्टर प्रोड्यूसर अच्छे अच्छे सब्जेक्ट पर अच्छी अच्छी फिल्में बनाएं, तो आपकी फिल्म इंडस्ट्री तरक्की करेगी।